आज मैं आपको गोरे और काले के बीच का फर्क बता रही हूँ, कितना भेदभाव होता है ये बता रही हूँ। ये कहने की बातें होती है कि फलाने की बहू सांवली है, काली है, तो इससे कुछ नहीं होता, दिल अच्छा होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, ऐसी कोई बात ही नहीं होती। ये सिर्फ सलाह देने के लिए होती है। जब खुद की बहू लानी होती है तो लड़की में देखी जाती है, लड़की चाहिए मिल्की व्हाइट, मनी टाइट, लॉन्ग हाइट, हर चीज में ओके हो तो शादी होती है। मेरी खुद की सहेली बहुत सांवली है, 30-35 लड़के अभी तक उसको रिजेक्ट कर चुके हैं सिर्फ सांवली की वजह से। पंडित जी का कॉल आता है, जो पंडित जी नहीं होते, शादी करवाते हैं लड़के की तरफ से भी लड़की की तरफ से भी, उनका कॉल आता है, हाँ तैयारी करके रखिएगा, कल हम बहुत अच्छा लड़का लेके आ रहे हैं। आते हैं 10 लोगों के साथ, और 10 लोगों के साथ आते हैं। आते हैं तो अंकल जी तैयारी में लगे रहते हैं, उनकी एक हफ्ते की कमाई निकल जाती है। अंकल जी रोज कमाने खाने वाले इंसान, गरीब घर से। लड़के को रसमलाई, गुलाब जामुन, दही, कचौड़ी, समोसा, काजू कतली, ठंडा गरम चाय, ड्राई फ्रूट, फ्रेश फ्रूट, हर चीज। अंकल की तैयारी करने में कितना मेहनत लगता है ये मैं जानती हूँ, मैं देखी हूँ अपने आँख से। लोग खाते हैं, लड़की को देखते हैं, वो भी लड़की को देखने आते हैं तो उनकी एक वो रहती है, लड़की कहीं लंगड़ी तो नहीं है ना, बेटा चल के दिखाइए, लड़की कहीं अंधी तो नहीं है ना, इधर देखो उधर देखो, लड़की BA पास बट फिर भी चिट्ठी लिख के दिखाइए, चलो ठीक है चलता है, ऐसा वैसा करते हैं। जाते जाते वो लोग ये तक तानाफूसी करते हैं कि लड़की बहुत सांवली है, आने वाला बच्चा भी सांवला होगा। और वो लोग जाते हैं तो सिर्फ इतना कह के जाते हैं कि हम लोग आपस में सलाह मशवरा करके आपको बता देंगे, कॉल भी नहीं आता किसी और उसके बाद कॉल भी नहीं आता। लड़की के पिताजी इंतजार करते हैं कि उनका कॉल आएगा बट कॉल नहीं आता। पिता जो होते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, हर किसी की सोच अलग अलग हो सकती है, लेकिन बेटी बेटी की बात होती है तो हर पिता की एक ही सोच होती है कि उनकी बेटी जहां भी जाए खुश रहे, और अंकल जी भी यही चाहते हैं। अंकल जी की सोच सोच के तबीयत खराब हो गई और वो हॉस्पिटल में। तभी एक कॉल आया फिर से पंडित जी का कि हम एक लड़का लेके आ रहे हैं, सरकारी नौकरी वाला है। अंकल जी बोले, बेटा मैं तो घर पे नहीं हूँ, माया तू संभाल लेना सब कुछ। मैं बोली, जी अंकल जी मैं संभाल लूंगी। अब मैं पापा ये बीमार पड़ गए थे, पता नहीं तो हॉस्पिटल हाँ में थे। पापा बीमार थे। मैं ये सोच रही थी कि अभी तक जो 10-15 हजार कमाने वाले लोग आए, लड़के वाले, उनका इतना बड़ा बड़ा मुंह खुल रहा था कि कार चाहिए, सोने की चेन चाहिए, अंगूठी चाहिए, तो ये तो सरकारी नौकरी वाला है, ये तो सीधा एरोप्लेन की बात करेगा। बोले चलो ठीक है देख लेते हैं, बट मैं कोई तैयारी नहीं की, जैसे लड़कियां नॉर्मली अपने घर में रहती हैं। मैं अपनी सहेली को बोली, जाके दिखा दे कि तू दिखती कैसी है। लड़की भी गई, जाते के साथ बोली, मेरी हाइट इतनी है, मैं ऐसी दिखती हूँ, मैं यहाँ तक पढ़ी हूँ, मेरा नाम ये है वो है, क्योंकि उसको भी पता है लोग क्या क्या पूछेंगे। उसके बाद वो वापस आ गई, मैं नाश्ता लेके गई। नाश्ते में मैं उन लोगों को कुछ भी नहीं खिलाई। बेटा पंडित जी तो मुझे बहुत घूर घूर के देख रहे थे, जैसे मलाई उनका, नहीं मिला। हाँ जैसे उनका मैंने किडनी ले लिया है, दोनों का दोनों। नाश्ते में मैं पार्ले जी बिस्किट 5 रुपया वाला, ब्लैक टी और ब्लैक टी उनके सामने रख दी, खाओ और जाओ, क्योंकि शादी के लिए तो हाँ बोलेंगे ही नहीं, मुझे पता है। लोग देखे थे। 3 दिन बाद कॉल आया लड़के का कि मुझे लड़की पसंद है। कितना बुरा फील लगा उस वक्त मैं क्या फील कर रही थी सिर्फ मैं जानती हूँ, मेरे आंख से पानी आ गए। अभी तक छोटे मोटे लोग लड़की को नापसंद किए, और एक पढ़ा लिखा सरकारी नौकरी वाला जिनकी सोच एकदम अलग, वो हाँ बोले, ये सोच के बहुत हैरानी हुई। उसके बाद अब कुछ दिन बाद सगाई होने वाली है, मैं लाइव आके बताऊंगी, खूब मस्ती करूंगी, आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी, और मैं शादी करूंगी तो सांवले रंग के लड़के से ही करूंगी। थोड़ा मिल गया तो गोरा मिल गया तो क्या करेगी उसके साथ, मैं उसको धूप में इतना काम कराऊंगी कि वो काला हो जाएगा। ये भगवान। और हमारे